जायदाद और जमीनों के हवाले से जिले कुलगाम में रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। इस हवाले से जमीन रजिस्ट्रेशन, सेल डीड, तोहफा डीड की रजिस्ट्रेशन का काम जारी है, जबकि 2 साल में 3000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है और इस तरह से सरकारी खजाने में अब तक 9 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा हुई है, जबकि लोगों को काफी सहूलियात पहुंच रही है। सब रजिस्ट्रार कुलगाम बशीर हसन ने कहा कि सरकारी खजाने में अब तक 9 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा हुई है और ऑनलाइन से काफी फायदा हुआ है। मजीद सुनते हैं उनकी जबानी। रजिस्ट्रेशन का अमल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया गया, एज सब रजिस्ट्रार मैं यहाँ काम करता हूँ, दो जगह मैं एज सब रजिस्ट्रार काम करता हूँ, तो तब से जो है ऑनलाइन जो स्लॉट्स होते हैं लोग ऑनलाइन इसमें अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन उसी दिन अप्लाई करते हैं और उसी दिन उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। इसमें 43 स्लॉट्स एक दिन में होते हैं जो खुले होते हैं। जो अप्लाई करता है उसको वहाँ अपना एक टाइम के हिसाब से उसका उसकी टाइमिंग वहाँ आती है कि किस टाइम उसको यहाँ आना है। तो अभी तक अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक पिछले 2 साल में जब से मैं यहाँ सब रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ तो तकरीबन 3000 के करीब हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन की है और जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 9.68 करोड़ वो तकरीबन यहाँ रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ बैठता हूँ एज सब रजिस्ट्रार या 3 दिन जिस हिसाब से लोगों का यहाँ रश होता है 3 दिन में कुलगाम में या 2 दिन में बैठता हूँ और इसी तरीके से एज एसडीएम ऑफिस में नूराबाद में 2-4 दिन बैठता हूँ तो वहाँ भी सब रजिस्ट्रेशन उसके साथ सब रजिस्ट्रार का काम भी वहाँ साथ साथ चलता रहता है। तो कोशिश करते हैं कि लोगों को बिल्कुल डोर स्टेप्स तक ये रजिस्ट्रेशन का मसला जो भी है जो भी इसमें गवर्नमेंट ने एक और जो होम रजिस्ट्रेशन होम विजिट हम करते हैं अभी तक मुझे लग रहा है 7 से 8 होम विजिट्स मैंने की है। जो कोई पेशेंट होता है या जो कोई इतना बुजुर्ग होता है कि जो चलने के काबिल नहीं होता है तो उसको हम घर जाके पूरी टीम जो मेरा ऑपरेटर होता है या मेरा जो कंसर्न जो रीडर है मेरा या बाकी जितने भी मैं खुद जाता हूँ तो वहाँ ही उनसे बयान लेके वहाँ ही उनकी रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट होती है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि होम रजिस्ट्रेशन जो होम घर जाके लोगों का जो लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है जो ऑफिस में आने के काबिल नहीं होते उनको हम घर जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसमें तो एक तो आप इसमें लोगों से ज्यादा पूछ सकते हो हमसे ज्यादा लोग बता सकते हैं कि कितनी आसाइश होगी क्योंकि लोग ही यहाँ आते हैं वही एट द एंड ऑफ द डे वही जज करते हैं कि कितना आसान हुआ है और कितना किस तरीके से काम होता है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि लोग सफर ना हो। जब भी हमें कहीं आप देख सकते चेकलिस्ट हमने बाहर रखी है उसमें पूरा डिटेल में दिया है कि किस डॉक्यूमेंट को कौन से किस रजिस्ट्रेशन चाहे अगर वो सेल डीड हो गिफ्ट डीड हो मॉर्टगेज हो या बाकी जो भी है जो भी है, कोई किसी को यहाँ ट्रस्ट डीड हो या बाकी जितने भी रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाओ वहाँ बाहर चेक लिस्ट लगी है उनको बाज़ाब्ता हमें पूछने की जरूरत नहीं है किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वो बाहर वो बोर्ड पे देख सकते हैं कि किस डीड को कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें जरूरत पड़ेंगे तो उसी हिसाब से वो लाते हैं यहाँ
और ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन स्लॉट होता है, इसमें उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ रही, घर बैठ के या किसी सखावत सेंटर या कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाके वो घर जाके अप्लाई करते हैं, घर पे जाके, और उनको बाज़ाबता टाइमिंग मिलती है कि किस दिन का कब आपको रजिस्ट्रेशन में टाइमिंग क्या है, तो वो आते हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनका अजाला हो जाए।